नमस्कार दोस्तों, भूपेन्द्र सिंह आप सभी का फिर से एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती के संदर्भ में हम आपके सामने बहुत बड़ी अपडेट लेकर आए हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इस दिन, और 69,000 भर्ती परिणाम रद्द मामला कोर्ट से जवाब तलब, और 69,000 में फर्जी बड़ा छात्र गिरफ्तार और दिशा निर्देश, 69,000 शिक्षक भर्ती में ओपो काउंसिलिंग निर्देश और बीईओ भर्ती परिषद स्थगित या होगी स्थिति स्पष्ट। दोस्तों, इन सभी न्यूज की डिस्कस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से करना चाहता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी को यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, और जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि जो पल पल की अपडेट होती है वो भी हम आप सभी के सामने अवश्य ही लेकर आते हैं। दोस्त, चलते हैं न्यूज की तरफ कि भर्ती परिणाम को रद्द करने हेतु कोर्ट के जो जवाब मिला है उसका देख आप सभी देख पा रहे हैं सभी कि 69,000 शिक्षक भर्ती का परिणाम रद्द करने की मांग कि प्रयागराज 69,000 शिक्षक भर्ती सहायक अध्यापक के लिए आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में बड़े पैमाने पर धांधली का आरोप लगाते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति SC त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा है। उमेश कुमार और दर्जन अन्य अभ्यर्थियों की ओर से दाखिल याचिका पर बहस कर रहे अधिवक्ता श्रीमान सिंह का कहना था कि शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन 6 जनवरी 2019 को किया गया था और परीक्षा में व्यापक पैमाने पर धांधली की शिकायत आई और पुलिस ने कई जगह छापा मारकर उन लोगों को गिरफ्तार किया, पैसे बरामद हुए और कई सेंटरों पर परीक्षा दे रहे छात्रों के 150 में से 143 तक अंक आए हैं, जबकि उनका एकेडमिक रिकॉर्ड काफ़ी खराब है। स्पष्ट है कि धांधली हुई है और याचिका में कहा गया है कि मामले की जांच STF कर रही है और STF को दिशा निर्देश दिया जाए कि वह समय सीमा में के भीतर जांच कर पूरी मामले को जांच के लिए स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपा जाए। और उल्लेखनीय है कि 69,000 भर्ती सहायक अध्यापक भर्ती मामला शुरू से विवादों में रहा है, इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। दोस्तों, आप सभी को बता चले कि जो मैन जो शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो यह एग्जाम 6 जनवरी 2019 को हुआ था उसमें लेकर आप सब जानते हैं कि धांधला हुआ है, और जो अभ्यर्थी राष्ट्रपति तक का नाम नहीं बता सकते उनके 143 मार्क्स तक आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि इस भर्ती में अवश्य ही धांधला बड़े पैमाने पर हुआ है। और वहीं बात करें कि शिक्षक भर्ती परीक्षा धांधली मामले में एक और अभ्यर्थी गिरफ्तार, मतलब दिन प्रतिदिन इसमें कोई ना कोई गिरफ्तार होता जा रहा है कि 69,000 भर्ती परीक्षा में धांधली मामले की विवेचना में जुटी STF ने शुक्रवार को बड़ी कार्रवाई की। परीक्षा में बतौर अभ्यर्थी शामिल होने वाले और सरगना KL पटेल के मददगार बलवंत सिंह को गिरफ्तार किया गया है, और STF अफसरों ने बताया कि वह खुद परीक्षा में बैठने के साथ ही सरगना तक अभ्यर्थियों को लाने का काम भी करता था। और STF स्थानीय इकाई के इंस्पेक्टर केशव चंद्र राय ने आरोपी को फपाओ के गोहरी रेलवे क्रॉसिंग के पास से गिरफ्तार किया है कि सूचना मिली थी कि वह नैनी जेल में से बंद कि वह नैनी जेल में बंद सरगना KL पटेल से मिलने आया है। और STF के मुताबिक पूछताछ में आरोपी बलवंत ने बताया कि बस्ती जिले के कनवारी थाना स्थित कसेला खास का रहने वाला है और 19,000 शिक्षक भर्ती में वह खुद भी एक परीक्षार्थी है, और मामले में जेल भेज जा चुके कमल पटेल व शशि कृष्ण सरोज के माध्यम से सरगना KL पटेल के संपर्क में आया था। बता दें कि मामले का सरगना KL पटेल समेत 11 आरोपी पहले ही भेज जा चुके हैं और परीक्षा में मिले 120 अंक। STF अफसर ने बताया कि आरोपी बलवंत सिंह न सिर्फ 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल हुआ बल्कि उसे 120 अंक भी मिले हैं। पूछताछ में उसने KL पटेल एंड कंपनी अन्य अभ्यर्थियों की तरह उसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के जरिए नकल कराई थी। और वहीं बात करते हैं, 5 नाम अन्य आए सामने, नकल माफिया समेत 8 की तलाश, ये भी नकल माफिया संबंधित है कि गैर जमानती वारंट भी जारी हो चुके हैं। STF का सूत्रों का कहना है कि मामले में वांछित आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट भी जारी कर लिया गया है, फिलहाल उनकी तलाश की जा रही है, निर्धारित अवधि के बाद कोर्ट में कुर्की कार्रवाई के लिए भी देंगी। और 5 लाख में हुई थी डील और 2 लाख पहले एडवांस में दिए जाने थे। दोस्तों, की 5 लाख में डील होती थी और 2 लाख उनको पहले से ही एडवांस में दिए जाते थे। दोस्तों, ये थी न्यूज़ जो हम आप सभी के सामने लेकर आए। और वहीं बात करें कि नियुक्ति पर जो काउंसलिंग है, और आप सब जानते हैं कि दिन प्रतिदिन किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से
डॉक्यूमेंट वापसी के लिए भी नोटिस जारी हो। अब देखना होगा इसमें क्या होगा और बीओ की स्थिति को आप सबको बता चलें कि आप सब जानते हैं कि आज 9 अगस्त हो चुकी है और 9 अगस्त के साथ में जो बीएड की जो एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है, वो भी हो रहा है और वहीं 16 अगस्त का बीओ का भी एग्ज़ाम है। तो स्थिति क्लियर हो चुकी है, जिस प्रकार बीएड का एग्ज़ाम हो रहा है उसी तरह से बीओ का भी एग्ज़ाम 16 तारीख को निश्चित ही 100% होगा और सभी के एडमिट कार्ड भी जारी हो चुके हैं। दोस्तों ये थी न्यूज़ जो हम आपके सामने लेकर आए। जो भाई चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। आप सभी का भूपेंद्र सिंह।